गाइस, मैं हूं शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत जल्द आफ्टर वॉश रिव्यू लेकर के आने वाली हूं इस कुर्ते का। और सीरियसली मतलब मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, फेस्टिवल्स की वजह से इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी मैं, अपने लॉस के यहाँ चली गई थी तो मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और आज भी मैं सुबह उठते ही सबसे पहले आफ्टर वॉश शूट करने लग गई, जैसा कि आपको मेरी आंखों से भी लग रहा होगा, हल्की सी स्वेल है। सो प्लीज़ मेरे फेस को तो इग्नोर करना। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ अपने जो मेरे लेटेस्ट कुर्ता थे उनका आफ्टर वॉश रिव्यू। इसके अलावा मैं जो पहनती हूँ और मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ उन्हें भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक तो इसका आफ्टर वॉश, क्योंकि इसके प्रिंट के लिए काफ़ी सारे कॉमेंट आए थे, पूरा फॉयल प्रिंट में है, पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सेकेंड, ये मैंने रिसेंटली शेयर किया है जूनिपर का कुर्ता। एक ही मैंने इशन का शेयर किया था, इसके लिए भी काफी सारे कमेंट्स आए थे, आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई। और इसके अलावा एक ये कुर्ता जो मेरे पर्सनल कलेक्शन से था, जो कफ्तान कुर्ता था। सो इसको मैंने ना कुछ देर से मतलब भिगो करके रखा हुआ है, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो ये आप देखिए, ये मैंने कफ्तान कुर्ता यहाँ पर काफ़ी देर से भिगोया हुआ था पानी में। इसका थोड़ा बहुत कलर निकला है, जो इतना तो मुझे ऐसा लगता है नॉर्मल है, बाकी सूखने के बाद पता चलेगा कि कलर पर इफेक्ट हुआ है नहीं हुआ है। और मैंने इनको ज़्यादा देर वियर नहीं किया था, सिर्फ वीडियो में ही वियर किया था, तो ऐसा कोई स्टेन नहीं लगा इन पर कि मुझे इनको ब्रश से धुलना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा हार्शली इनको वॉश करना पड़े। इसीलिए मैं इनको नॉर्मल ही वॉश करके दिखा रही हूँ। और नॉर्मल सर्फ मैंने यूज़ किया, जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, जो मैं टाइड यूज़ करती हूँ वही मैंने आज यूज़ किया है। तो ये मेरा फर्स्ट कुर्ता। और सेकंड जो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो है ये, जो इशिन ब्रांड से था और आप लोगों को काफ़ी पसंद भी आया था। अच्छा, मैं अपने नए कपड़े ना हमेशा हैंड वॉश ही करती हूँ, मशीन वॉश नहीं करती। सो ये आप देखें, इसको भी मैंने थोड़ी देर के लिए भिगोया है और यहाँ पर आप देखेंगे जो कलर था पीले से थोड़ा थोड़ा हरे रंग पर आ गया है, मतलब इसने भी कलर छोड़ा है। लेकिन मैं ना इनको स्क्वीज कर रही थी तो मैंने देखा कि जो कलर छोड़ रहा है ना वो ये हैंडमेड डोरी और ये जो यहाँ पर थ्रेड टसल्स लगी हुई है, एक्चुअल कलर इनसे आ रहा है, क्योंकि फैब्रिक ऐसा कलर नहीं निकाल रहा। लेकिन हाँ, हल्का बहुत कलर इसका गया। और थोड़ा सा रब करने के बाद मैं इसको पानी से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ये कपड़े गंदे नहीं हैं। और ये आप देखिए, बहुत हल्का फुल्का सा कलर छोड़ा है, डार्क कलर इतना छोड़ता ही है, तो मतलब ऐसा सच मुझे कोई इशू नहीं लग रहा इसमें। नेक्स्ट में ये ब्लैक, इसका कलर का तो ऐसा सच कोई इशू नहीं है क्योंकि चंदेरी सिल्क है, इसका हमें चेक करना है प्रिंट। सो अगेन मैंने इसको पानी में डिप किया। और बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप कपड़े वन बाय वन ही धोते हो, तो यार जो डेली के होते हैं उन्हें तो इकट्ठा मशीन में डाल देती हूँ, लेकिन हाँ जो मेरे नए कपड़े होते हैं उन्हें मैं इसी तरह से वन बाय वन ही वॉश करती हूँ हमेशा। और अब इसका प्रिंट हम टेस्ट करते हैं, लुक एट दिस, बिल्कुल भी प्रिंट इसका नहीं निकल रहा, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जूनिपर के काफ़ी सारे कपड़े मतलब मैं डेली में यूज़ कर रही हूँ, हालांकि हमें कोई भी फॉइल प्रिंट इतना हार्डली रब नहीं करना होता, हम उनको जेंटली वॉश करते हैं, लेकिन हाँ ये प्रिंट नहीं निकल रहा है एज यू कैन सी। और ये कपड़े इसी तरह से वॉश किए जाते हैं, ऐसा चिन पे कोई दाग धब्बे होते भी नहीं है, तो इतने में ही ये साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये सभी का डिमांडिंग वन, और क्योंकि ये ब्राइट कलर था, प्योर कॉटन था, तो मुझे इसके कलर का डाउट है, मुझे इसके प्रिंट का डाउट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ी देर के लिए भिगो करके रख दूंगी, जिससे कि हमें एक्चुअल में क्लियर हो जाए कि इसका कलर कितना जाएगा। सो ये आप देखिए, करीब 5 से 6 मिनट मैंने इसको भिगो दिया है और कलर इसका चेंज हुआ है, जो आपको क्लियर हो रहा होगा, बाकी हमें सूखने के बाद पता चलेगा। अब इसका जो मेन पॉइंट था मेरा वो था इसका प्रिंट। सो हम ट्राई करते हैं इसका प्रिंट जाता है या नहीं जाता। तो ये आप देखो, इसका ना फॉयल प्रिंट तो नहीं निकल रहा, लेकिन इसका जो वाइट वाला प्रिंट है ना वो जा रहा है, लुक एट दिस, ये आप देखिए। सो ऐसा गंदा नहीं है, जिसने भी इसको ले लिया है बस उसे नॉर्मली ऐसे ही वॉश करें, मशीन वॉश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस तरह के मशीन वॉश में तो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, हैंड वॉश से फिर भी चल जाएंगे। तो अब मैं इनको अच्छे से मतलब मैं इनको धुल तो चुकी हूँ, एक बार इनको पानी में निकाल देती हूँ और सुखा करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इनका रिजल्ट कैसा रहा। तो मेरे सारे कपड़े सूख गए, अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है वो कुर्ता, थोड़ा बहुत कलर गया था लेकिन इस पर ऐसा सच इफेक्ट नहीं पड़ा, और प्योर कॉटन ये है तो इतना बहुत तो जाता ही है। और आप देखेंगे इसका कलर ना एज इट इज़ है, मतलब वही प्रॉपर शाइन जो थी, आयरन होने के बाद ज़्यादा बढ़िया लगेगा।
सो ये भी एज इट इज है, इसलिए आप इस वाले को आराम से बाय कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे, इसका कलर ना बिल्कुल डार्क ग्रीन नहीं था, हल्का सा वो मेहंदी कलर होता है ना, कुछ उस तरह का था। सो ये भी एज इट इज है, और कपड़े में हमेशा उल्टे करके ही सुखाती हूँ। सो ये वाला भी आप देखेंगे एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया, जो इसका कलर गया था उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि हल्का फुल्का ही गया था। सो ये भी एकदम सही है। ब्लैक वाले का तो आपको पता है कि इसका प्रिंट भी नहीं गया था, कलर भी नहीं गया था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एकदम परफेक्ट। और रही बात इस रेड वाले की, जो हाईली रिक्वेस्टेड था, अच्छा आप इसे बहुत ज़्यादा टाइट करके रब करेंगे, आप ब्रश लगाएंगे या फिर मशीन में वॉश करेंगे, क्योंकि मशीन में बहुत राउंड आते हैं तो कपड़ा वैसे भी हो ही जाता है, तो उस तरह से तो इसका प्रिंट जाएगा, अदरवाइज कलर इतना डार्क है तो ऐसे सच गंदा तो होगा नहीं। सो आप इसे मतलब बहुत जेंटली वॉश करना है। बाकी जैसे कि मैंने इसका बताया था कि इसका फॉइल प्रिंट नहीं गया, लेकिन वाइट वाला जो प्रिंट है वो जब मैंने बहुत हार्डली रब किया तो वो निकला था। सो ये आप देख लीजिए, कलर इसका एज इट इज़ है, शाइन इसकी एज इट इज़ है, और सही है यार, मतलब रेंज के अकॉर्डिंग सही कुर्ता है। बाकी आप देख सकते हैं जो भी जेन्युइन रिव्यू था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा दो कुर्ते मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये भी मेरे जो मेरा सिग्नेचर कलेक्शन था उसी का है, इसको मैं डेली में वेयर करती हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के काफ़ी अच्छे लगते हैं, मतलब सिंगल कुर्ता वेयर करना। सो ये आप देखो, इसको तो मुझे पता नहीं कि मैं कितनी बार वॉश कर चुकी हूँ, और मशीन वॉश मैंने ये किया है, एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया, हल्का फुल्का सा कलर इसका फर्स्ट वॉश में गया था, बहुत हल्का फुल्का सा, लेकिन तब से न जाने कितनी बार वॉश हो चुका है, आयरन इस पर नहीं हो रखी है, सो वो चीज़ आपको दिख भी रही होगी, और एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। जिसको भी ये वाला पसंद आया आप उसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और है मेरे सिग्नेचर कलेक्शन से, अगेन ये भी काफ़ी बार वॉश हो चुका है, मशीन वॉश हो चुका है, कलमकारी फ्लोरल प्रिंट में ये है, और कलर इसका लाइट ही था, मतलब जो इसका बेस कलर था ना वो थोड़ा सी ग्रीन टच में था। सो ये भी एज इट इज़ है, मतलब इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आया। इसके अलावा एक ये है, इसको मैंने अमेजन से बाय किया था, ये भी वॉश करने के बाद एज इट इज़ है, जूनिपर ब्रांड से है, बहुत बढ़िया ये निकला, मतलब इतना बढ़िया फैब्रिक इसका निकला ना, वॉश करने के बाद भी एकदम एवन रहा। सो ये वाला भी मैं रिकमेंड करती हूँ, जिसको भी पसंद आया इसको ले सकते हैं, एकदम परफेक्ट। इसके बाद लास्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ, वॉश तो मैंने बहुत सारे किए हैं रिसेंटली, मैंने जितने भी आपने देखा भी होगा फेस्टिवल्स में मुझे वियर करते हुए, सभी को मैंने वॉश कर दिया, लेकिन सभी मैंने बेड के अंदर डाल दिए तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि सारा सामान हटा के उसे निकालूं। एक ये भी मेरे सिग्नेचर कलेक्शन से, यार बिल्कुल भी श्रिंक नहीं हुआ, वाइट कलर था तो कलर जाने का तो कोई डाउट ही नहीं था, ये मेरे सिग्नेचर कलेक्शन से था, बिल्कुल बढ़िया, और वॉश होने के बाद इतना शाइनी हो गया, मतलब मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। ये वाला तो मतलब मेरा फेवरेट कुर्ता है, आप ये देखिए, पहनकर भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, यूजुअली मैं इसे रेड के साथ पेयर अप करती हूँ। सो ये भी मेरे सिग्नेचर कलेक्शन से, एकदम बढ़िया, एकदम एवन, कलर इसका गया नहीं क्योंकि वाइट कलर था, फैब्रिक इसका बहुत अच्छा। सो गाइस ये था मेरा आज का कुछ आफ्टर वॉश कलेक्शन। मैं जानती हूँ कि मैं रिव्यू शेयर करने में थोड़ा लेट हो गई, टाइम नहीं मिल पा रहा था फेस्टिवल्स की वजह से। आई होप आप लोगों को रिव्यू जेन्युइन लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।